कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान एक बार फिर आमने सामने हैं। आंदोलन में शामिल पंजाब और हरियाणा के किसान आपस में ही टकरा गए हैं, जिसके बाद किसान संगठनों ने संसद मार्च को रद्द कर दिया है, जबकि हरियाणा और यूपी के किसान संसद मार्च करने पर अड़े हुए हैं। दरअसल किसान आंदोलन में शामिल अलग अलग संगठनों के बीच पहले से ही मतभेद है, लेकिन अब संयुक्त किसान मोर्चा में कलह हो गई है। बीते दिनों आयोजित संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ और नेताओं के बीच जमकर बहस हुई। हालात बिगड़ने पर दिल्ली मार्च को रद्द कर दिया गया। वहीं दिल्ली की सीमा पर लगे मोर्चों को मजबूत करने पर जोर रहेगा और दिल्ली मार्च के लिए परिस्थिति को देखते हुए बाद में रणनीति बनाई जा सकती है। आपको बता दें कि केंद्र के कृषि कानून के विरोध में किसान पिछले 4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने जब आंदोलन शुरू किया था तो करीब 2 महीने तक सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर चलता रहा। किसानों और सरकार के बीच 11 दौर की बातचीत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं निकल सका। दोनों के बीच आखिरी बातचीत जनवरी में हुई थी, उसके बाद से ही केंद्र सरकार ने किसानों से बातचीत बंद कर रखी है। उधर किसान भी अपनी मांग पर डटे हुए हैं और मई की शुरुआत में संसद तक पैदल मार्च का ऐलान किया गया था, लेकिन अब संसद मार्च को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों में कलह हो गई है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब किसान आपस में लड़ पड़े हों। इससे पहले भी कई मुद्दों पर किसानों के बीच ही मतभेद है। इन सब के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि वो आंदोलन करते रहेंगे और अभी तक संसद मार्च पर राकेश टिकैत का बयान सामने नहीं आया है। अब ये कहना ठीक नहीं होगा कि कौन संसद मार्च चाहता था और कौन नहीं चाहता था, लेकिन फिलहाल किसानों का संसद मार्च ठप हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।